आएगी, मम्मी को भी इतना लेट हो गया है और मुझे भी इतने सारे काम करने हैं, फिर होली भी आ रही है उसकी भी सफाई करनी है, फटाफट से कर देती हूँ सब कुछ। अरे यार, अरे अभी ये रीता अपनी वाटर बॉटल वहीं भूल गए थे। आप कौन? मिस सोना, आपके ऑफिस में नहीं आई हो ना? अच्छा, आपकी आज जॉइनिंग हुई, आप ही हो क्या? मिस सोना हो गए, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं घर जा रहा था, मेरी छोटी बहन अकेली होगी कि मम्मी बाहर गई हुई इस वजह से। तो कल आप ऑफिस कितने बजे आओगे? अब मेरे सेम टाइम है एज ऑलवेज, 11 o'clock मैं पहुंच जाऊंगा। न्यू आई हूं ना तो मुझे कुछ पता नहीं है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप आज ही ज्वाइन हुए क्या? हां चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी एक्चुअली छोटी बहन वेट करी होगी, नाइस टू मीट यू, कल मिलते हैं ना? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरी बहन छोटी वाली परेशान हो रही है, चलो चलता हूँ। और मुझको लग रहा है वो चॉकलेट का वेट कर रही होगी, पर चॉकलेट तो मैं लाया ही नहीं, अब क्या करूँ? चलो उसको उल्लू बनाता हूँ गाइस, आ जाओ। छोटी बहन बड़े भाई होने का थोड़ा फायदा भी तो होना चाहिए, चलो देखते हैं। अरे अरे वैष्णवी, छोटी बहन, छोटी बहन, चॉकलेट। अरे यार तू इधर आ, तू इधर आ, बैठ पहले मेरे पास में, बैठ बैठ इधर, बैठ इधर। क्या क्या किया तूने मेरे जाने के बाद? आपके जाने के बाद मैंने लाइट की है, पूरा झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा दिया यहाँ पे तूने पूरा? इतनी बड़ी हो गई? और रे मेरी छोटी बहन, इतनी बड़ी कैसे हो गई इतनी जल्दी? और सारे पर्दे भी साफ कर। ओ बाप रे बाप, तो तेरे लिए चॉकलेट तो बनती है, पर मैं चॉकलेट तेरे को आज नहीं दूंगा। तो मैं चॉकलेट, देख अगर छोटी वाली चॉकलेट चाहिए तो आज आएगी, बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए तो कल आएगी। कौन सी चाहिए? बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए? हाँ। तो वो कल मंगाऊ, कल आएगी तेरे लिए, ठीक है? लेकिन मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। क्या? अरे यार चल मैं इधर रख के लेके आया हूँ, ठीक है? अरे यार मैं चॉकलेट तो लाया नहीं, अब इसको क्या दूँ? अब ऐसे कुछ दूंगा तो यार ये उदास हो जाएगी। और एक काम करता हूँ ना, मेरे पास ये कुछ, अभी तो मेरे पास सैलरी भी नहीं आई है, इसको मैं कैसे बोलूँ कि मेरे पास सैलरी नहीं आई है? मेरे पास थोड़ी सी रेवड़ियाँ हैं, ये देता हूँ इसको, ये खुश हो जाएगी, वैसे छोटी बहन है खुश हो जाती है। ठीक है तो आज मैं तेरे लिए कुछ एक चीज लेके आया हूँ। क्या? पर आज चॉकलेट नहीं है, पर तू इससे खुश हो जाएगी क्योंकि अभी मेरी सैलरी नहीं आई ना, इसलिए। ठीक है दे दूँ पक्का? चल हाथ आगे कर। ये तेरे लिए रे बढ़िया। ये क्या भैया, आप मेरे लिए ये लेके आओ? मैं पूरा घर साफ करके परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। तो मेरी सैलरी नहीं आई ना बेटा, अभी सैलरी नहीं आई तो मैं क्या करूँ, मैं कब से घर साफ करे जा रही हूँ। अब मेरी सैलरी आएगी तो मैं देखो पक्का दिला दूंगा। अभी ये तो खा, अभी हमारे पास नहीं खाना मुझे ये, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, अभी ये खा, ऐसे नहीं होता। देख कभी पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं तो खर्च करेंगे, कम पैसे होंगे तो कम में चलाना पड़ेगा, है ना? अभी ये खाएंगे, कल जैसी सैलरी आ जाएगी तेरे लिए अच्छी सर, और तेरे लिए वो भी लाऊंगा। क्या पूछ, क्या? क्या? डॉल हाउस। डॉल हाउस? डॉल हाउस भी लाऊंगा तेरे लिए, ठीक है? इसको खा ले खा ले खा ले खा ले खुश, ठीक है? कल पक्का लाऊंगा। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब मैं जाता हूँ जल्दी से खाना बनाता हूँ, ठीक है? तू जब तक यहाँ पे बैठ, तेरा होमवर्क कर लिया स्कूल का? हाँ। ठीक है चल मैं तेरे लिए खाना बना। भैया आपने क्या खाना बनाया, इतना अच्छा खाना तो मम्मी भी नहीं बनाती है। मम्मी को किसने सिखाया? मम्मी को भी मैंने सिखाया खाना बनाना, ठीक है? अब मेरे बात सुन, जल्दी से मैं बिस्तर लगाता हूँ फिर आप सो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कल मेरे को सुबह जाना है ना, फिर सैलरी आएगी तो तेरे लिए बहुत सारे डॉल हाउस भी तो लाना है, ठीक है? तो मैं जल्दी से बिस्तर लेके आता हूँ, ठीक है? बिस्तर, अब इसको कैसे बताऊँ कि मम्मी पापा तो कब कहीं हमें छोड़ के जा चुके हैं, अब इसको बताऊंगा तो ये और ज्यादा उदास होगी, पर कभी ना कभी तो ये सच्चाई इसको पता चलेगी। कोई नहीं, देखेंगे जब पता चलेगी। अभी इसका बिस्तर तो गाइस हमारे पास देखो, बिस्तर तो नहीं है, ठीक है? एक कंबल ही, उसमें ही सो रहे हैं हम, पर ठीक है उसके लिए मैं तो नीचे सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, उसको सोने दो। तो यही बिस्तर है, जल्दी इसको बिछाता हूँ, चल आ जा वैष्णवी। अरे मैं लगा लूंगा, तू मैं लगा देती हूं भैया। चल लगा, ठीक है चल लगा लगा लगा। अब बिस्तर लगाया यार, तूने कहाँ से सीखा ये? मैंने कैसे नहीं सीखा, मुझे पहले से आता था। चल ठीक है सोते हैं। भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बोल? मम्मी पापा कब आएंगे, मैं उनका रोज इंतजार करती हूँ, वो आते ही नहीं है। अरे मम्मी पापा अभी अपने बाहर इस कंट्री में नहीं करते ना काम, दूसरी कंट्री में करते हैं, तो मम्मी भी उनके साथ रहती है ना, पर वो जब आएंगे तो अपने लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, मुझे बोला है कि वैष्णवी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगी, ये मजा आएगा, इतने सारे गिफ्ट्स आएंगे, मम्मी पापा जल्दी आएंगे। ठीक है अब सोते हैं, सोते हैं, मेरे को सुबह जल्दी जाना है। चल सो 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 सो, चलो सो जा। मेरी बात सुन, कल तेरे स्कूल में फेयरवेल का प्रोग्राम है, मेरे पास तेरे प्रिंसिपल मैम का मैसेज आया था, अच्छे से करना तू डांस, ठीक है? चल सो जाते हैं। मेरा चूहा, मेरा चूहा, मेरा चूहा! अरे क्या हुआ? चूहा कहाँ है? चूहा, चूहा अभी गया इधर से। चूहा नहीं हो सकता वैष्णवी, चूहा आया था। चूहा कैसे होगा यार, तू मेरे को, तू डर रही, तू एक काम कर, तू इस साइड आ जा, तू इस साइड आके सो जा, मैं इधर सो जाता हूँ, बस चूहा नहीं हो सकता अपने घर में, इधर सो जा, सो जा। अरे तू इधर सो जा, कोई बात नहीं, चल सो जा, तू सो जा, सो जा।
हो भी सकता है चूहा आ गया होगा। चल मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ, तू सो जा ठीक है। एक बार की बात है, एक राजा था एक रानी थी। उसके मम्मी पापा बाहर काम करने गए थे पर वो कभी आते नहीं है। सो गई ये तो, चलो ये तो सो गई। और मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम बचा है, रहने दो, आज काम कर लेता हूँ, कल सैलरी मिलेगी, फिर इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाने हैं, ठीक है जल्दी से काम कर लेता हूँ। ये तो सो गई ना? हाँ ये तो सो गई। सारा काम दे दिया बॉस ने, चलो सैलरी करनी है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो हो गया, अब थोड़ा सा सो ही लेता हूँ मैं भी। चलो थोड़ा सा सो जाता हूँ, मेरे को सुबह जल्दी जाना है फिर, ठीक है। ये बस सो रहे हैं, लगता है ये पूरी रात बैठ के काम कर रहे थे। भैया मेरा कितना ख्याल रखते हैं। चलो अभी इन्हें उठा देती हूँ, फिर इनको ऑफिस भी तो जाना है। भैया भैया उठो, सुबह हो गई, सुबह के 7 बज गए, उठो। कितने बज गए, टाइम क्या हुआ? 7 बज गए। 7 बज गई क्या? अरे मेरा बॉस मुझे मार देगा। मेरे पास मैं नहाऊंगा नहीं अभी, ठीक है बाद में मैं खा लूंगा, ऑफिस में सब कुछ खाना खा लूंगा। तू अच्छे से स्कूल जाना, अच्छे से स्कूल जाना, पास वाली विमला आंटी को मैं कह देता हूँ। मैं मेरी लेट हो रहा है, मुझे मेरी बात सुन, अरे मैं खाना खा लूंगा उधर, ठीक है मेरी बात सुन। विमला आंटी को कह देता हूँ, तुझे तैयार कर देगी, तो अच्छे से डांस करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। अरे मेरे जूते कहाँ है? मैं जा रहा हूँ, तू अच्छे से करना। अरे भैया बैग और लैपटॉप तो ले लो। जल्दी ना जल्दी, मेरा बॉस मुझे मारेगा तुझे। 7 बज गए, तेरे को पता नहीं चला क्या? पहले बताना चाहिए था। अब मेरी बात सुन, तू अच्छे से डांस करना, ऑल द बेस्ट, मैं तेरे लिए शाम को लेके आऊंगा चॉकलेट, बाय। विमला आंटी के घर जाती हूँ, फिर मुझे रेडी भी तो होना है, फटाफट से चली जाती हूँ विमला आंटी के घर। आंटी विमला आंटी मैं आ जाऊँ? हाँ बेटा आओ, आओ बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, और कैसे आना हुआ? अरे वो भैया चले गए हैं जॉब पे, उनको बहुत लेट हो गया था, तो उन्होंने मुझे तैयार भी नहीं किया स्कूल के लिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि विमला आंटी के घर चले जाना, वो सब भाई है, एक माँ बाप भी भाग गए, भाई भी भाग गया। क्या हुआ विमला आंटी? कुछ नहीं कुछ नहीं, अब हम तुमको तैयार कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है तुम्हारे स्कूल में, काय का फंक्शन है? स्कूल में मेरे डांस का फंक्शन है, तो मुझे उसके लिए तैयार होना है। यही पहनोगी? यही नहीं पहनना, लहंगा पहनना है ना मुझे। अच्छा तो एक काम करती ना, लेके आ जाती, चलो हम तुम्हारा मेकअप कर देते हैं, तुम जाके पहन लेना। बस मारेंगे आज तो, लेट हो गया, एक्सक्यूज मी। अरे अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे लेट हो गया, बॉस मारेंगे आज। अच्छा अभी आए हो क्या? अच्छा हाँ, आपका नाम मिस सोना है ना? हाँ। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो morning. अब देखते हैं बॉस आपको भी डांटेंगे मुझे भी डांटेंगे, चलो देखते हैं। अरे बॉस ही नहीं आज तो, इसलिए तो कह रही हूँ। चलो चलो ऑफिस में जल्दी बैठ जाते, बॉस आएंगे ना अपन कह देंगे, है ना? ठीक है। वैसे आज तो मीटिंग है ना, बॉस ने बताया। आज मीटिंग है क्या? आज फॉरेन वाली कंपनी से बात हो गई? पर बॉस खुद नहीं आए, हम क्या करेंगे? चलो ठीक है। लेना तो नहीं था ना असाइनमेंट वगैरह? असाइनमेंट आप पूरा करके आए हो? मैंने तो रात को ही कर लिया था, मुझे नहीं पता था। अरे चलो आपका असाइनमेंट मैं कर देता हूँ, जल्दी दो। बट मैं लैपटॉप ही घर छोड़ गया। अरे चलो मेरे लैपटॉप में कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सा? चोपड़ा एंटरप्राइजेस वाला करना है, ठीक है मैं। चलो ये हो गया आपका असाइनमेंट तो। वैसे थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, वरना बॉस से मुझे डांट पड़ती। अरे कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। वैसे आपके घर में कौन कौन है? घर में मेरी अभी तो मैं छोटी बहन के साथ रहता हूँ। क्यों? मम्मी पापा? मम्मी पापा एक्चुअली मेरे बाहर है अभी, इस वजह से। तो कभी मुझे भी बुलाओ चाय पे। अरे आप तो आज ही चलो, बस 5 मिनट रहे हैं फिर तो होने वाली, फिर चलते हैं अपन। आप तो आज ही चलो, मेरी छोटी बहन से मिलाता हूँ आपको, वो पता बहुत क्यूट है। अरे शिट क्या हुआ? आज मैंने उसको बोला था कि तेरे लिए मैं कुछ लेके आऊंगा, पर आज तो बॉस ही नहीं है, और सैलरी मिलने वाली थी आपका, आप तो आपका तो दूसरा डे, पर आज सैलरी मिलने वाली थी बॉस। कोई बात नहीं, मैं लेके चल लूंगी चॉकलेट। पक्का? हाँ चलो ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बहन को वो एक आती है ना गुड़ की चक्की, हाँ? उसको वो बहुत ज्यादा पसंद है, वो आप, ठीक है, आप ठीक है। मैं आपको कल वापस पे कर दूंगा। कोई बात नहीं अभी, चल। चलो ठीक है, ओके तो चलें। हाँ। चलो मैं आपको मेरी बहन से मिलाता हूँ, चलो चलो। और बाकी आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरी मम्मा है, पापा है, और मैं हूँ बस। ठीक है, मेरी बॉस मेरी बहन बहुत क्यूट है, आपको तो पक्का पसंद आने वाली है वो। सच में? बहुत क्यूट है, और ऐसे मुझे लग रहा है आपको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो ठीक है, मेरी बहन से मिलाता हूँ आपको। वो थोड़ा स्टार्टिंग में डरेगी, वो सारे बच्चे डरते हैं। मैं आपको सिर्फ सोना बोल लूं क्या? हाँ चलेगा, मैं भी तुम्हें अभी बोलती हूँ, आई एम सॉरी, तुम्हें चलेगा? कोई बात नहीं, अब फटाफट से सारा काम कर देती हूँ, भैया भी बहुत लेट आएंगे, और मेरा तो क्या डांस गया, सब मुझे देख के चौंक गए, अब फटाफट से कर देती हूँ। हाँ
और मुझे तो आज गिफ्ट भी मिला है ना। मैं भैया आएंगे तो भैया को बताऊंगी। अरे एक सेकंड रुको, मैं उसको पहले समझा के आता हूँ। एक्चुअली वो पहली बार किसी को देखेगी ना वो डर जाएगी, है ना। आप यहाँ पे एक मिनट वेट करो, मैं एक मिनट में आया, मैं समझा के आता हूँ उसको। वैष्णवी ये कैसा गया तेरे फेयरवेल का डांस, कैसा गया? बहुत अच्छा गया, सब मुझे देख के चौंक गए। ओह यस ब्रो, क्या बात है, बहुत अच्छा डांस किया। और विमला आंटी ने तैयार कर दिया था ना? हाँ, विमला आंटी ने मुझे पूरा तैयार कर दिया। चलो अच्छा, अरे पता है एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई है, हाँ, तो मैं उसको लेके आया हूँ तुझे मिलाने के लिए, ठीक है? तो मैं लेके आऊँ अंदर, अच्छे से बात करना, ठीक है? उनका नाम सोना है। सोना, ठीक है, सोना दे दी। सोना, मिस सोना कह देना तू, मिस सोना, ठीक है? मैं लेके आता हूँ, तू मेरे पास वो साफ कर, अगर उनको अच्छे से बैठाएंगे ना अपने घर में, तू साफ कर। चलो लेके आता हूँ, ये कर देगी। ओके मिस सोना, आप आ जाओ, उसको बोल दिया मैंने, आओ आप। वैष्णवी ये कौन आया है? हाय, हाय मिस सोना, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। ये अभी इसका फेयरवेल में डांस हुआ है, बहुत अच्छा, बता दे डांस के बारे में, बता। सच में? हाँ। कैसा गया डांस आपका? डांस बहुत अच्छा गया मेरा, सब मुझे देख रहे थे, सब सबने तारीफ भी की इसकी। सच में? और इसके लिए हम क्या लाए, वो तो दो इसको, तेरे लिए एक स्पेशल फेवरेट चीज है। रुक जा, पहले पूछते इसे, तेरे फेवरेट क्या है खाने में? मेरा फेवरेट पंजाबी चिक्की, मैंने बोला था आपको, मुझे पता है इसके बारे में। और तेरे लिए स्पेशल थोड़ी सी मैंने खा ली, थोड़ी सी है ना, पंजाबी चिक्की, ये। लेकिन तेरा अभी वो डॉल हाउस नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, मैं पंजाबी चिक्की से ही काम चला, ठीक है? पंजाबी चिक्की से काम चला। चलो मैं आता हूँ, हाँ एक मिनट बैग रख के आता हूँ, है ना। अरे यार कैसी बहन है इनकी, आते ही खाने लग गई। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मुझे बैठाए या मुझे पूछे, कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, ऐसा लगता है पहली बार मिला। चलो मिस वैष्णवी, तुमने बैठा है नहीं है यहाँ? बैठो आप, देखो घर थोड़ा सा छोटा है बट अच्छा है घर हमारा, कोई बात नहीं। वैष्णवी तू बैठेगी, मैं बैठ जाऊं? आप बैठ जाओ, लो आप खाओ। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं झूठा नहीं खाती। चल ठीक है वैष्णवी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू मेरे पास रख दे, अपन बाद में खा लेना तू, है ना। हाँ। अरे वो एक्चुअली छोटी है ना, उसकी बात का बुरा मत। अरे नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, बाकी घर अच्छा लगा ना आपको? घर अच्छा है एक्चुअली, पानी तो होगा ही ना यहाँ पर, मतलब लग नहीं रहा। नहीं पानी मैं लेके आता हूँ आपके लिए, पानी। वैष्णवी तू इसको, अगर मैं पानी लेके आ रहा हूँ ना। ऐसा घर है इनका, पानी भी नहीं है, ना बहन के पास अकल, ना भाई के पास अकल, बिल्कुल भी अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। और ऐसा तो मैं उनको लूट ही नहीं पाऊँगी, लूटने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है, इनको देख के लग तो नहीं रहा कि पैसा होगा भी इनके पास। तो रेखा आके फंस गई। क्या बोला आपने अभी? क्या बोला मैंने अभी? आपने बोला कि आप हमको कैसे लूट पाओगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे। हाँ बोला, क्योंकि तुम भी ऐसी हो, तुम्हारा भाई भी ऐसा ही है, समझी? मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी के अभी आपको अपने घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तुम क्या निकालोगे मुझे घर? एक काम करो, मैं खुद जाती हूँ, तुम रहो यहाँ पर, जाओ यहाँ से। अरे, 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 सोना क्या हुआ, आप इधर आओ। क्या बोला तुमने वैष्णवी? ये बार बार बिना मतलब के तमीज नहीं है क्या? क्या बोला तूने ऐसा? ये अभी आप जब पानी लेने गए थे तो ये इधर बैठ के बोल रही थी कि पता नहीं कैसे घर वाले, भाई भी ऐसा, बहन भी ऐसी, इनको तो मैं लूट भी नहीं पाऊंगी। अरे आपने ऐसा? ओ गॉड, अभी ये कैसी है, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ सोच सकती है, बोल सकती है। आपने ऐसा बोला क्या? आपको लगता है मैं ऐसा बोलूंगी? नहीं वैष्णवी, इन्होंने बोला है अभी, प्लीज ट्रस्ट मी। आपने नहीं बोला ना ऐसा? वैष्णवी ऐसे बड़ों से बात करती है, इन्होंने ऐसे बड़ों से बात करती है, सॉरी बोल जल्दी। मैं नहीं बोलूंगी सॉरी, क्योंकि इन्होंने बोला है। सॉरी बोल वैष्णवी। नहीं बोलूंगी मैं। देख रहने दो अभी, मैं जाती हूँ यहाँ से। कर दिया नाराज, कर दिया नाराज, ये कौन सा तरीका हुआ तुझसे? तेरे से बात ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे, नहीं है मम्मी पापा हमारे, तू लायक इसी की है, इसी लाएगे तू, ऐसे बात करती है बड़ों से? वो बेचारी इतनी अच्छी है, वो तेरे लिए चक्की लेके आई, तो क्या बोलती है उसको ऐसा? जो आपको सालों से नहीं जानती, आप उस पे ट्रस्ट सालों नहीं, तू आप अपनी बहन पे ट्रस्ट वो कर रहे। उसको ऐसा क्यों बोला? अब रोने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ उधर और पढ़ाई कर जाके। वैष्णवी उधर जा, उधर जा। पहली बार तो कोई इतने अच्छे से बात कर रहा था, पढ़ाई कर चुपचाप। अब ऐसे बात करती है, मैंने तुझे इतने तेरे लिए लेके आई और तू ऐसे बैठ जा उधर, पढ़ाई करेगी, कुछ नहीं बोलेगी तू। क्या यार इतने अच्छे, क्या करूं? एक काम करता हूँ, एक बार कॉल लगाता हूँ मिस सोना को,
उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, ये तो कह दूंगा छोटी बच्ची है। एक और कॉल लगा के देखता हूँ, मेरा फोन, ये रहा। बस फोन उठा ले सोना मेरा, इसने भी क्यों मैं घर लाया उसको। हेलो, हाँ अभी बोलो। मिस सोना, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरी बहन की तरफ से, प्लीज। कोई बात नहीं, अभी मैं ही गलत थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आपको। अरे आप प्लीज रो मत, आप प्लीज रो मत। मुझे कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं ना। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं माफी मांगता हूँ। वो छोटी है अभी, वो शायद उसने सॉरी बोल रहे हो, शायद उसने ऐसा बोल दिया होगा। मैं माफी मांगता हूँ, हो सकता है मुझसे ही। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप शाम को 6 बजे आज मेरे घर वापस आ रहे हो। नहीं आप 6 बजे मेरे घर वापस आओगे, क्योंकि देखो वैष्णवी आपसे सॉरी बोलना चाहती है। मैं आपसे एक और बात करता हूँ, वैष्णवी सॉरी बोलेगी तो सोना का फोन है, सॉरी कला कुछ बोला था वापस थप्पड़ पड़ेगी अब, ठीक है? ये भी आपसे कुछ बोलना चाहती है, बोल। हेलो, हाँ, I am so sorry दीदी, मैंने आपको ऐसे कहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो आप शाम को 6 बजे आ रहे हो ना? हाँ ठीक है अभी। चलो ठीक है, हाँ चल। अब मेरी बात सुन अच्छे से, आप शाम को 6 बजे वापस आएगी, ठीक है? अब अच्छे से बात करनी, ठीक है? और मैंने तुझे मारा उसके लिए भी सॉरी, ठीक है? चलो ये तो सही हो गया, लेकिन एक बात तो है, वैष्णवी ने कभी ऐसा किया नहीं, वो छोटी है। और वैष्णवी ने एक बात भी बोली कि जो अभी, कहीं ऐसा तो नहीं वैष्णवी सही कह रही थी? आइडिया, अब देखो क्या होने वाला है, एक काम करते हैं, ये प्लान बनाने टाइम है। वैष्णवी, वैष्णवी इधर आ, जल्दी आ, जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, जल्दी भाग, क्या इधर आ, कांदा, ठीक है? समझ गई? तो सच पता चल ही जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच। अभी हाय, आई एम सो सॉरी, मैंने उस दिन कल जैसे हमने सुबह बात की, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। अरे मिस सोना, आओ आओ, आप आ जाओ, आ गए, वेलकम वेलकम। ये कुछ बोलना चाहती वैष्णवी, बोल दिया तूने? हाँ। ये एक्चुअली बहुत रो रही थी बहुत देर से कि मैंने मिस सोना को ऐसे बोल दिया। बच्ची आप प्लीज माफ कर देना ऐसे, है ना? कोई बात नहीं। पानी लेके वैष्णवी, आप आओ, सोना हो, बैठो आप। हाँ। इनके घर में पता नहीं पैसे होंगे कि नहीं होंगे, देखती हूँ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इतना भी गरीब नहीं है ये, पड़े हैं ना पैसे। ये सही है, चिंदी के घर पे चिंदी मिल सकता है और कुछ मिल भी नहीं सकता। फटाफट बैठ जाती हूँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं कब लाएगी ये पानी, लेट भी हो रहा। कोई बात नहीं, प्यास बुझ गई मेरी। थैंक यू। अच्छा आपका ऑफिस का पूरा काम हो गया ना? हाँ, आज मेरा ऑफिस का सारा काम हो गया। अरे आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ ना। नहीं नहीं वैष्णवी, वो भी जल्दी 20 का नोट बना था ना उधर। हाँ। वो लेकर के तू कुछ खाने के लिए लेके आ जा, ठीक है? पैसे कहाँ गए? ओ लगता है उस चोर ने अपना जादू दिखा ही दिया। अब जाके बताती हूँ भैया को। भैया क्या हुआ? उधर 20 रुपए पड़े थे, कहाँ गए? अब वहीं होंगे, तू ढूंढ ले एक बार। वहाँ नहीं है, मैंने पूरा अच्छे से ढूंढ लिया, मुझे लग रहा है कि इन्होंने चुराए हैं। क्या बकवास कर रही हो? पैसे आपने अभी तूने मुझे इसलिए बुलाया है क्या? वैष्णवी तू फिर से ऐसे बोल रही है? फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा? आप खुद चल के देख लो, उधर पैसे नहीं है। एक बार देख, एक सेकंड में आया, आप ना इधर बैठो, मैं आया। सही में नहीं है क्या वहाँ पे? सही में नहीं है, देख लो। इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे कैमरा लगा दिया था, मुझे पता चल गया था यही चोर है। अब देख इसकी बेइज्जती करते हैं। आजा, चला जा, चला जा। अरे पैसे कहाँ गए वैष्णवी? पता नहीं, मैं कह रही हूँ इन्होंने चुरा लिए हैं। मैं 20 रुपए क्यों चुराऊंगी? वो क्यों चुराएंगे 20 रुपए? अरे अरे रुक जा, अपन ने यहाँ पे कैमरा लगाया था ना। हाँ अपन कैमरे में एक बार देखते हैं, कैमरे में देखते हैं, कैमरे में देखते हैं। सिर्फ इनका सामान पड़ा है, इस लास्ट ये बचा है। ओ हो क्या ये, क्या है ये? मेरे है।
बस से आई हूँ। वैष्णवी अब बारी अपना कमाल दिखाने की। क्या खड़ी हो? खड़ी हो, खड़ी हो, वैष्णवी ने बोला ना खड़ी हो, खड़ी हो। क्या कर रहे हो? धक्का देके निकाल वैष्णवी इसको यहाँ से, धक्का देके निकाल, निकलो यहाँ से, गेट आउट, निकलो यहाँ से, चोर, निकलो इधर से, ये ले 20 रुपए, जा, इसको निकाल वैष्णवी, धक्का देके, निकल यहाँ से, निकल, चल, यार वैष्णवी, ये कैसे चोर? मैंने कहा था मेरे पे ट्रस्ट करो। यार तूने सही कहा था यार, चल मेरी बात सुन, अब अपन सो जाते हैं, पार्ट 2 भी बनाना है अपने को, पार्ट 3 बनाना है ना। तो गाइस ये था हमारा छोटा भाई, नहीं 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 छोटी बहन वर्सेस बड़ा भाई, कितना मजा आया। आपको मिलेंगे आपसे आप पार्ट 3 में, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय। तभी कुछ कहना चाहती है सोनल अपनी सफाई में, क्या कहना चाहती है? चोर नहीं, अरे ये चोर है वैष्णवी, कमाल दिखा, निकाल इसको, निकाल, चलो चलो चलो, बाय गाइस।